हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट इन वर्ड पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। आपने आपके जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है या किसी अदर फील्ड के आप जो भी कुछ बनवा रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। लाइक ले लीजिए, आपने कोई एप्लीकेशन बनवाया है या कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है, या आपको कोई बड़ा बिजनेस है, या आप कोई स्टार्टअप करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, विदाउट योर अगर जो बूस्टिंग के सिवा अगर आप एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट को रन करना चाहते हैं या अपने किसी बिजनेस को भी रन करना चाहते हैं, तो दुकान खोल के या कोई एप्लीकेशन बनवा के या कोई बिजनेस खड़े करने से पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपका लॉस कितना हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाया। यहाँ हम दोस्तों एप्लीकेशन, आपको पता ही कि मैं डेवलपर हूँ, मैं एप्लीकेशन के ज़्यादा बारे में बताता हूँ, लेकिन आपका कोई अदर फील्ड में या अदर चीज़ में आपने जो काम कर रहे हैं तो उसकी भी आप मार्केटिंग यहाँ से थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं कि जो भी आप फील्ड में उसकी मार्केटिंग कैसे करें। या आपकी शॉप हो गई, या आपकी वेबसाइट हो गई, या कोई कंपनी है, अगर आप कोई बिजनेस रन करना है तो अपनी चीज़ को आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। हाउ टू डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस, फॉर योर एप्लीकेशन, फॉर वॉट एवर यू हैव टू वर्क ऑन दिस एप्लीकेशन। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन बनाया है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि एप्लीकेशन लोगों कैसे रखिए, एप्लीकेशन को बूस्ट कैसे कीजिए, एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, ए टू जेड मैं आपको बताया हूँ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन बनाने के बाद या वेबसाइट बनाने के बाद या आपकी शॉप है तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। लाइक ले लीजिए एग्जाम्पल एप्लीकेशन का। आपने एप्लीकेशन बनाया, ग्रोसरी का एप्लीकेशन बनवाया है, नॉट ए वीडियो स्टेटस एजुकेशन, वीडियो स्टेटस एजुकेशन नहीं तो एजुकेशन एप्लीकेशन बात नहीं करूँगा, यहाँ पे ग्रोसरी एप्लीकेशन की बात करूँगा मैं। आपने एक शॉप है, आपका किराना शॉप है, आपने एक एप्लीकेशन बनाया ग्रोसरी का, ठीक है, आपने उस पर अच्छा खासा मतलब पैसा भी लगा दिया, एप्लीकेशन बनवा लिया, एडमिन पैनल मिल गया आपको, सारे प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया, सब कुछ आपका ओके चल रहा है, लेकिन आप अपने एप्लीकेशन पे अपने यूज़र्स को कैसे लेके आएंगे, अपने एप्लीकेशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे आपके जो एप्लीकेशन आपने ग्रोसरी एप्लीकेशन बना के रखा है, चाहे वो ग्रोसरी एप्लीकेशन हो, चाहे वीडियो स्टोर से एप्लीकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन एप्लीकेशन हो, सारे एप्लीकेशन का डिजिटल मार्केटिंग का जो तरीका होता है वो काफी अलग होता है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रोसरी एप्लीकेशन बनवाया है आपने, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी, अगर आपको खुद का शॉप है, अगर शॉप नहीं है तो आप मार्केटिंग कीजिए एप्लीकेशन का। फर्स्ट एडसेंस पे आप बूस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, क्योंकि आपका छोटा भी स्टार्टअप, ये नहीं बोलूँगा कि बड़े बड़े जाइए मोहल्ले में उसका ऐड कीजिए, ये सब करने के बाद से कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा एडवर्ड पे अपने एप्लीकेशन का बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडवर्ड पे नहीं आ रहा है तो किसी भी डेवलपर से मिलिए, एडवर्ड के बारे में वो आपको अच्छे से ब्रीफ में जानकारी दे देंगे कि आप अपने एडवर्ड पे आप कैसे अपने इसको आप बूस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। एडवर्ड हो गया, एप्लीकेशन में नेटिव ऐड लगवाते हैं, आपको पता है कि एडसेंस से इनकम ज़्यादा नेटिव ऐड में होता है, लेकिन एडसेंस के लोग लगा के देते हैं, लेकिन नेटिव ऐड में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसका जो ऐड होता है वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कैसा है। तो सेकंड, कभी भी नेटिव ऐड लगाइए, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो नेटिव ऐड लगवाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एडवर्ड पर बूस्ट कीजिए, नेटिव का ऐड लगवाइए किसी भी डेवलपर से। फेसबुक बूस्टिंग इज़ वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन बनवा लिए, अगर फेसबुक बूस्टिंग करनी है दोस्तों आपको, आपको पता ही कितने मिलियन, लाखों मिलियन, मतलब जितने भी लोग हैं फेसबुक यूज़ करते हैं, कितने सेकंड पे उस पर यूज़र ऑन द वे रहते हैं। अगर आपने किसी के पास जो फॉलोअर्स अच्छे खास है, आप अपने फेसबुक पे बूस्ट भी कर सकते हैं, उसकी जो भी सब अमाउंट रहेगा आपको बस पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसके बाद ये सब आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जो डेवलपर रहेंगे, जो आपकी डेवलपर टीम रहेगी, या आपको इसके बारे में नॉलेज होगा कि फेसबुक बूस्टिंग कैसे की जाती है, एडवर्ड की बूस्टिंग कैसे की जाती है, तो आप डेफिनेटली आप खुद कर सकते हैं, तो अदरवाइज आपको आपके डेवलपर से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने एडवर्ड पे कर लिया, फेसबुक बूस्टिंग पे आपने एक पेज क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करने के बाद वहाँ पे से थंबनेल की सभी साइज़ रहेगी, आपको उस साइज़ पे अपने एप्लीकेशन का नाम, आप जो भी आपके एप्लीकेशन के अंदर है वो सारे एक थंबनेल पे आपको बना लेना है। बनाने के बाद आपको बूस्टिंग करनी है, बूस्टिंग करने के बाद उनका रिजल्ट 1 वीक में आ जाता है कि आपकी ऑडियंस कितने मतलब उस पर देख रहे हैं, कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, कितने लोगों ने उसके अंदर फाइनल किया, मतलब फिर काफ़ी सारे वहाँ से आपको ट्रैफिक वहाँ से आ सकती है। थर्ड, हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल, आपको पता ही दोस्तों इसमें बहुत पॉपुलर मतलब ये चैनल है कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन की बूस्टिंग करनी है तो किसी भी अपने यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट कीजिए, जो आपका फ्रेंड होंगे तो उनको भी अपने एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं, वो आपके एप्लीकेशन को प्रमोट करेंगे तो आपको अच्छे खासे यूज़ आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपका लोकल कहीं दुकान है किराने का,
तो आप क्या कर सकते हैं, एक पैम्पलेट रेडी कीजिए, जो आपको पता ही है ऐसे साइज़ का जो पैम्पलेट आता है, 100-200 रेडी करवाइए आपका। अगर ग्रोसरी शॉप अच्छा खासा रन कर रहा है तो पैम्पलेट रेडी करवाइए, किसी बच्चे को पकड़िए, बच्चे को 500 रुपये दीजिए, तो 300-400 रुपये दीजिए, पैम्पलेट हर गली में बांट देगा कि हाँ ये पैम्पलेट कैसे कपा जाएगा। 100 लोग को अगर दिया तो उसमें से कम 50 लोग तो देखेंगे, 50 कंपल्सरी ये नहीं होता है कि सारे लोग ही पैम्पलेट कैसे पढ़ रहे, कोई पकड़ता है फाड़ता है फेंक देता है, लेकिन उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो पैम्पलेट को रीड करते हैं। हाँ, कैसा एप्लीकेशन क्या नहीं होता है, पैम्पलेट पर अच्छे से रीड कीजिए, QR कोड दीजिए आपके एप्लीकेशन का, सीधा QR कोड को स्कैन करेंगे तो सीधा उनको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा, वहाँ सीधा आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा। सीधा QR कोड भी दीजिएगा, अगर पैम्पलेट रेडी करवा रहे हैं तो पैम्पलेट सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे तो एक QR कोड का भी ऑप्शन आता है, वहाँ पे QR कोड डाल दीजिए अपने एप्लीकेशन का, अगर कोई भी स्कैन करता है तो देखने तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा कि आपका एप्लीकेशन में ऐसे क्या खासियत है जो आपने इस पैम्पलेट को रेडी करवाया है। तो कोई भी कस्टमर स्कैन करके आपके व्हाट्सएप पे जाए, इस पे प्ले स्टोर पे जाएगा ही जाएगा। 100 अगर 200 500 पैम्पलेट भी अगर आप बांट दे रहे हैं तो उसमें से 200 100 200 कहीं नहीं गए, ऑन द वे आपके एप्लीकेशन का डाउनलोड वहाँ से मिल नहीं वाला है। और भी ऐसे कई तरीके की मार्केटिंग के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, लेकिन इतने ही में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मैं नई नई चीज़ें मार्केटिंग लेके आऊँगा कि अगर आप अदर एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, अभी तो मैंने वेबसाइट के बारे में नहीं बताया, अभी मैंने वीडियो शेट्स के बारे में नहीं बताया, अभी मैंने एजुकेशन एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन जो मैंने मार्केटिंग के बारे में बताया वो कैसे बूस्ट करना, आप सारे एप्लीकेशन के लिए उस तरीके को आजमा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।